हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये देखिए, इतनी सारी मूली हैं और गाजर हैं। आज मैं मूली और गाजर का अचार बनाने के लिए इन्हें कट कर रही हूँ। और ये ना बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में, ये अचार बहुत अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने सोचा ये मूली जो है इन्हें कट कर लूँ, इनका जो अचार बनाएंगे। तो सुबह से ये काम स्टार्ट हो जाते हैं और मैं इन्हें छीलने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका अचार भी बनाना है और फिर खाना भी बनाना है। तो पहले मैंने ये मूली छीलना ही स्टार्ट कर दिया है। जब हमारी मूली छिल जाएंगी, फिर इन्हें हमें एक दिन उसमें नमक के पानी में रखना पड़ता है, जिससे कि ये अचार ना बहुत स्वादिष्ट बनता है। जब मैं बनाऊंगी, जब आपको दिखाऊंगी, तो ये अभी फिलहाल मैं इन्हें कट करके एक डिब्बे में चलाने के लिए रख देती हैं। अचार बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि वो नमक जो होता है इसका सारा पानी निकाल देता है। मूली में बहुत सारा पानी होता है, तो नमक की हेल्प से वो सारा पानी निकल जाता है और अचार ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसे धूप भी लगानी पड़ती है, और धूप तो अब आजकल के दिन में कम ही निकल रही है। तो देखूंगी ये कितने दिन में बन पाएगा। 2-3 दिन तो इसे लग जाएंगे अचार बनाने में मुझे। तो ये देखिए, पहले तो आज मैं मूली कट करके एक डिब्बे में नमक डाल के, स्वाद के अनुसार नमक डालना पड़ता है, और मूली कट करके ऐसे ही छील के धो के डालनी पड़ती है। Thank you.
देखिए यहाँ मेरी मूली गाजर छिलके तैयार हो चुकी हैं, और ना बहुत ठंड भी पड़ रही है, तो मेरा ना सर्दियों में ना कैप निकलता है ना स्टॉल निकलता है, मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ मैंने अपनी मूली छील कर तैयार कर ली है, और ये देखिए पहले मैंने ये स्टील की छलनी ली है, तो मैं लंबे लंबे पीस इसके मूली के कट कर रही हूँ। आप जैसे करना चाहते हो, गोल भी कर लेते हैं, लंबे भी कर लेते हैं, तो मैं लंबे पीस काट रही हूँ, तो जैसे आप काटना चाहते हो वैसे काट सकते हो। तो ये देखिए मेरे मूली के पीसेस कट गए हैं। और अचार बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अचार मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। तो ये जो मैं आपको पहले करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये 2 दिन तो हमें नमक के पानी में ही रखनी पड़ेंगी, और उसके बाद इसे धूप लगानी पड़ेगी, और फिर मैं आपको अचार बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मेरी मूली गाजर कट के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें डालने के लिए एक डिब्बा लूँगी, और ये देखिए बहुत सारी मूली हैं, तो उसमें टाइम भी लगा था, तो ये मैंने डिब्बा ले लिया है, और इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब मुझे ये 2 दिन के लिए रखना है, तो जैसे ही धूप निकलेगी मैं इसे धूप में सुखा दूँगी, और फिर मैं अचार डालूँगी। यहाँ देखिए मेरी झाड़ू लगकर तैयार हो चुकी है। सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, तो ये वो वाले काम चल रहे हैं। सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, और झाड़ू पोछा करने में ना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन जब बच्चे घर पर होते हैं तो उन्हें देखना भी पड़ता है, तो टाइम तो हो ही जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और यहाँ मेरे बच्चों की आज फरमाइश है कि मम्मी पकौड़े बना दो आलू के, और मैं ना उनके लिए पकौड़ी ही बना रही हूँ। तो ना मेरी पकौड़ी इतनी टेस्टी बनती है, वैसे अपनी चीज़ की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बनाती भी बहुत टेस्टी हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं, और मैं कैसे बनाती हूँ ये मैंने आपको बता भी रखा है। तो जैसे जितना बेसन होता है उसमें थोड़ा सा मक्के के आटा डाल दो, तो उससे ना बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनती है, क्रंची क्रंची पकौड़ी बनती है।
यहाँ देखिए मेरी पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं और इनका ना टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए क्रंची क्रंची बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनी है। तो आ जाइए, गर्मा गर्म पकौड़ी तैयार है और इनके साथ चाहिए इमली वाली चटनी। तो मैंने इमली वाली चटनी और खट्टी चटनी इनके साथ बना रखी है। और हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।